बिना मेहनत किए दोस्तों सुपर टेस्टी सुपर स्पंजी होममेड हेल्दी केक बनाते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है, सिर्फ गेहूं के आटा और खजूर से बनकर के फ्लफी वाला तैयार हो जाता है। देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पर कितना बढ़िया बना है, इसको लंच में भी परफेक्ट दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए 250 ग्राम खजूर है जिसका हम बीज निकाल लेंगे और इसको हम पीस लेंगे। खजूर सॉफ्ट होता है, दूध डालने पर अच्छे से बारीक पेस्ट बन जाता है। दोस्तों रेसिपी पसंद आए तो मेरे प्रोफाइल को फॉलो करें और यूट्यूब पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन नया वीडियो नया रेसिपी देखने के लिए। तो ये हम दूध कटोरी, एक कटोरी मलाई वाला दूध है, इसको हम आधा डाल दिए दोस्तों और इसको हम पेस्ट बना दिए। तो एक कटोरी ये आटा है जिसका मैं मात्रा सब बता रही हूँ, ये चीनी है आधा कटोरी और ये 200 ग्राम आटा है, 100 ग्राम चीनी है, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, फिर उसी दूध का बचा हुआ था तो उसमें से डाल के एक चौथाई दूध बचा लेंगे। एक ही डायरेक्शन में 4 से 5 मिनट लगातार फेंटेंगे ताकि फ्लफी एकदम अच्छा से सॉफ्ट केक बने। जितना फेंटेंगे उतना बढ़िया आपका परफेक्ट और टेस्टी केक बन कर के आएगा। बाद में कुछ इस प्रकार हो जाएगा 5-6 मिनट फेंटने के बाद, आप लोग दोस्तों देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आपके घर में अगर बच्चा खाना वाना नहीं खाता हो तो ये बना के रख लीजिए और लंच में दीजिए, बहुत प्यार से खाएगा और उसको पूरा पोषण भी मिल जाएगा। दोस्तों आप लोग जान सकते हैं कि खजूर भी हेल्दी होता है, गेहूं का आटा भी हेल्दी होता है। जो मैं चीनी डाली हूँ उसके जगह में आप लोग गुड़ डाल सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा मीठा के लिए, या सफ़ेद वाला जो बड़ा वाला मिश्री आता है धागा वाला वो डाल सकते हैं। ऐसे ही मिला लेंगे, कुछ इस प्रकार का हो जाना चाहिए, ना गाढ़ा ना पतला। बाकी का जो दूध बचा है लास्ट में उसको भी डाल के हम मिला लेंगे। दोस्तों एक एक चीज़ फॉलो करेंगे तो आपका केक पहली बार में बिना मेहनत का परफेक्ट बनेगा। तो ऐसे ही देखिए, आप लोग देख सकते हैं बाकी का दूध बचा था उसको भी डाल के हम 2 से 3 मिनट फेंट लेंगे तो ये तैयार हो जाएगा बैटर पूरा रूप से। फिर इसमें हम देसी घी डालेंगे दोस्तों, बटर भी बहुत लोग डालते हैं, हम भी डालते हैं दोस्तों, लेकिन आज मैं कुछ अलग बना रही हूँ एकदम शुद्ध और देसी तरीके से, जो कि कोई भी खाएगा उसको नुकसान नहीं करेगा। 10 मिनट रेस्ट छोड़ देंगे, फिर घी से केक टिन को ग्रीस कर लेंगे और एक बटर पेपर डाल के बटर पेपर पे भी अच्छे से घी लगा लेंगे। ये बहुत टेस्टी बनता है, कहीं से चिपकता नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि मैं तवा पे बना के दिखा रही हूँ। बहुत लोगों को होता है कि मेरे पास सामान नहीं है, मैं कैसे बनाऊँ, मेरे पास ओवन नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है, कैसे बनाऊँ। तो या ये उन लोगों के लिए है कि भैया तवा पर भी बहुत अच्छा केक हम लोग बना सकते हैं, आप लोग इस चीज़ को ध्यान दें। तो ये देखिए कितना बढ़िया बन के टेक्सचर इसका आया है, कुछ इस प्रकार का ये है, आप देख सकती हैं। घी डालेंगे तो और ढीला हो जाएगा। तो ये हम डाल दिए घी, घी जिसका वज़न है 50 ग्राम दोस्तों। फिर इसको अच्छे से हम मिलाएंगे, मिलाने के 2-3 मिनट बाद ये पूरा रूप से तैयार हो जाएगा दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कितना बढ़िया है। तो इसको हम केक टिन में डाल के अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि अंदर तक ये बराबर हो जाए, कहीं से बीच में हवा ना भरे, ताकि हमारा केक एकदम बराबर सेट हो और खाने में भी अच्छा लगे और देखने में भी सुंदर लगे। दोस्तों आप लोग देखिए एकदम कुछ इस प्रकार का आते हैं, टैप कर लिए दोस्तों, इसको ऐसे ही हिलाएंगे। और हम बादाम को 50 ग्राम कट कर ली हूँ, इसको बारीक कट करना है, लंबे लंबे, देखने में सुंदर लगे। इसको अच्छे से हम मिला लेंगे, ऊपर से डाल के डेकोरेट कर देंगे, टेस्ट भी अच्छा होगा, बादाम हेल्दी भी होता है और देखने में भी खूबसूरत लगेगा दोस्तों। इसके जगह पर आप लोग टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं ऐसे ही। तो ये बादाम ज़्यादा हेल्दी है इसलिए हम डाले। देखिए तवा मेरा फुल फ्लेम पे गरम है, हम इसको मीडियम फ्लेम कर दिए, पहले 10 मिनट मीडियम फ्लेम, फिर इसको हम कर देंगे 40 मिनट एकदम लो फ्लेम पे दोस्तों। तो आपका केक बनके तैयार हो जाएगा। भगोना से हम ढक दिए, कुछ नहीं करना है, सबके घर में तवा होता है, भगोना होता है ना। तो इसको वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। 7 से 8-10 मिनट बाद ऐसी स्थिति हो रही है, केक हमारा फूलने लगा है, मैं बीच में दिखा दे रही हूँ आप लोगों को ताकि आप लोग देख सकें कि ऐसे ऐसे बनता है केक। फिर इसको हम ढक देंगे। तो ये देखिए ये ऐसे ही, अब ये हो गया है 50 मिनट। तो 50 मिनट होने के बाद मैं आप लोगों को चाकू डाल के दिखा रही हूँ, एकदम क्लीन है चाकू, कहीं से कुछ लग नहीं रहा है, यानी कि हमारा केक अंदर तक अच्छे से पक चुका है, मतलब यही होता है। मैं टूथपिक से भी करके मैं आप लोग को दिखा दे रही हूँ ताकि आप लोग आराम से देख सके। ये देखिए
ऐसे है ना, ये आलू का रोल बना ले, मतलब आलू रोल चिप्स जो आता है ना, उस वो वाला बड़ा वाला टूथपिक है, फिर इसको हम पलट देंगे। कुछ नहीं तामझाम करना है, आराम से निकल जाता है दोस्तों, कहीं से चिपकता भी नहीं है। ये देखिए तो सुपर टेस्टी, सुपर फ्लफी, हेल्दी केक बनके तैयार है, जो कि कोई भी खाएगा नुकसान नहीं करेगा। बच्चा को जितना भी दीजिए वो खाए, कहीं से नुकसान करने वाला नहीं है, जितना मन करे उतना खाए, बाज़ार से ना लाए। इतना टेस्टी हेल्दी केक घर पे बनाए दोस्तों, ये देखिए सुपर टेस्टी केक हम घर पे बना लेते हैं। इसको कप में भी हम बना लेते हैं ताकि बच्चे अच्छे से खा लें, कम समय में कप में भी बन जाता है, कहीं भी करके 2-3 कप लगा देते हैं तो ये केक बन के तैयार हो जाता है। चलिए इसका कटिंग करते हैं। कभी भी केक का कटिंग धारदार चाकू से करें, तब जाके अच्छा होगा। तो ये देखिए एकदम रवादार, ये देखिए कहीं से भी टूट जा रहा है, खुशबू भी उतना ही टेस्टी है। तो ये देखिए सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी केक बन के तैयार है दोस्तों। आप लोग भी इंजॉय करें, वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।